गाइस वेलकम नेचुरल। जैसे कि मैं आज आप लोग के लिए क्लास टेंथ का ग्राफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड 5 मार्क्स के आते हैं और एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो उसी के लिए मैं आज आप लोग के लिए आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देखें और बताऊंगा आज मैं आप लोग ग्राफ 5 मार्क्स का किस तरह से गेन करोगे। एग्जाम में कभी भी किसी भी तरह का ग्राफ हो छोड़ना एकदम नहीं, ठीक है, एकदम अच्छे से बनाना। तो आज का टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ में आपको क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस वाई बराबर 5 बराबर बाई वक्स माइनस x माइनस वाई बराबर 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और उसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब ग्राफ कैसे, कभी भी ग्राफ बनाना हो ना तो इसके लिए पहले हमको क्या इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है ना, इसको आप लिख लो x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, लिख लेना। और इसके लिए दो बॉक्स बनाना, एक x का एक y का, और ज्यादा नहीं, 3 1 2 3, ओके। अब बताऊंगा कैसे क्या करना है। एक्स प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5, प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, ठीक है। और वाई के जगह पे एक बार आप 0 पुट करना, इसके बाद 1, इसके बाद 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहीं भी इस पे 0 बना सकते हो, 1 2 पे कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ बनेगा, ठीक है, कितना भी हार्ड हो। तो वाई की जगह पे क्या पहले 0 पुट करेंगे, एक्स बराबर 5 माइनस 0, तो एक्स का मान कितना आ गया 5, ओके, यहाँ 5 लिख दिए। अब इसी प्रकार 1 करो, यानी कि एक्स बराबर 5 माइनस अपनी वाई जगह कितना 1 रखना है, यानी कि 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, यानी x का मान कितना आया 4। एक कैलकुलेशन कर लोगे, अब देखो सेकंड, अब कितना रखेंगे 2, यानी कि x बराबर 5 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा आपका 3, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। ये मेरा पहला का ग्राफ जो का रूल था, यानी कि इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेम इक्वेशन आप सेकंड का करो, जैसे कि यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 5, x बराबर 5 माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई। अब सेम इसका भी बॉक्स 3 बना लो, एक x का एक y का, हमारा कितना कितना 3 लेना रहता है, ये 0 1 2, कुछ भी रख सकते हैं 2 5 7 100 500, लेकिन ज्यादा उतना हम क्यों करें, हमको नॉर्मल ही जितना बना के आगे बढ़ेंगे। तो कितना करोगे 5 प्लस 0, तो एक समान कितना आ गया 5, यानी कि 0 रखने पर मेरा कितना है 5, 1 रखो 5 पे 1 रखो तो कितना 6, 5 में 2 जोड़ो कितना आएगा 7। अब मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा, 5 प्लस 1 करोगे तो 6 आ जाएगा x बराबर, 5 प्लस 2 रखो तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि मेरा 2 इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। ये आपका था इक्वेशन करना। अब इसके बाद मैं बताऊंगा ग्राफ कैसे बनेगा, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा, इसके बाद मैं ग्राफ बताऊंगा और केवल आपका 2 इक्वेशन मैं लिख कर रखूंगा। जैसे कि आप इक्वेशन है ना, इसको भी लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स और वाई का 0 1 2 0 1 2, नेक्स्ट क्या है 5 4 4 5 4 3, और ये जो क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स का फिक्स है, क्लास 10 में आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। इसी प्रकार का कोई और आप लोग एग्जांपल भी ट्राई कर लेना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपना कमेंट को फीडबैक में बताएं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं ग्राफ। कभी भी ग्राफ का एक कॉपी आपको एग्जाम में जाओगे ना तो एक पेज मिलेगा ग्राफ का, ठीक है। तो उसमें स्केल से पहली बात आप क्या कर लोगे, लाइन कर लेना, एक स्ट्रेट लाइन में एक ऐसे कर लेना, ठीक है, और एक प्रकार इधर, यानी कि ये भी देखना रहेगा ना आपका कितना हाइएस्ट नंबर गया है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं एक्स, एक्स डैश, यानी कि यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं वाई, यहाँ पे y, इसको y डैश x, ओरिजिन इसको बोलते हैं, यानी कि मूल बिंदु, मूल बिंदु कितना आपका होता है 0, जिसको इसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इसको x अच, इसको y अच। अब आते हैं हाईएस्ट नंबर कितना है, देखो 7 गया है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर। तो क्या करोगे, इधर 7 तक, इधर 7 तक, यानी कि आपका कॉपी में वहां रहेगा लाइनिंग, उस पर करना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नीचे आओ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब लिखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं बता रहा हूं जब प्लस प्लस हो माइनस प्लस हो किस में क्या ग्राफ बनेगा, ये जितना भी है ना सब प्लस में आया। अब प्लस वाला है ना, यानी कि आपका इसको इसमें बनेगा, जैसे हम क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग थर्ड, इसे क्या बोलते हैं फोर्थ। अब मैं बता रहा हूँ इसमें आपका क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, जैसे पूछ देगा ना आपका
वन और टू किस पद में होगा, यानी किस क्वाड्रेंट में होगा? तो वन टू किस में, दोनों पॉजिटिव है ना, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यदि आपका दे देगा माइनस दो कोमा तीन, बताए किस में होगा, तो सेकेंड में होता है। और थर्ड में आपका दोनों माइनस होता है, माइनस टू माइनस थ्री दे देगा, तो पूछेगा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को एक्स, इसको वाई, यानी कि भुज भी बोलते हैं इसको, याद रखना। ऑब्जेक्टिव यहां से आपका पांच नंबर नहीं दस नंबर आपका क्लियर हो रहा है, तो ध्यान से देखें। यानी कि इसको एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को हम लोग बोलते हैं भुज, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि, यानी कि वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। एक्स और वाई, और शुरू वाले को एक्स और सेकंड वाले को वाई, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस। यानी कि यहाँ एग्जांपल ऐसे देगा, थ्री और माइनस फोर बताएं किस क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा है बहुत ही बार, आप लोग पढ़ लोगे तो आपको पता हो क्लास टेंथ वाले स्टूडेंट को, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ में, हमारा ग्राफ क्या है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट में है फाइव कोमा जीरो, एक्स यानी कि फाइव और वाई बराबर जीरो, और जब भी जीरो का बोलेगा तो यही लाइन पे हो जाएगा। एक्स का पूछ रहा है तो एक्स लाइन देखो कौन है, ये है ना। अब फाइव पर, फाइव कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी कि यहीं पे कर देंगे फाइव कोमा जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्स बराबर सिक्स और वन, यानी कि एक्स बराबर सिक्स, यहाँ एक्स बराबर सिक्स, वन देखो इसके जस्ट सामने हो यहाँ पे, और यहाँ सिक्स भी होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे फाइव लिखा इसको मिटा दे रहे हैं, यानी कि सिक्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। और लिखना बहुत जरूरी, इसका इतना था ना, इसका था जीरो कोमा फाइव, यहाँ पे लिख देंगे, इसका मेरा कितना आया वन कोमा सिक्स, हम यहाँ पे लिख देंगे वन कोमा सिक्स, ठीक है, और फिर मिला देंगे। अब नेक्स्ट है एक्स बराबर सेवन वाई बराबर टू, एक्स बराबर सेवन यहाँ हो जाएगा ना, और वाई बराबर टू देखो, यानी कि टू के सामने, यहाँ पे आओ, यहाँ पे सामने, यानी कि दो के सामने और सेवन के सामने। ग्राफ को भी बनाओगे ना तब समझ आएगा और अच्छे तरीके से, इस किसका हो गया सेवन कोमा दो का, लिख देना। अब आप देखो स्ट्रेट लाइन में इसको मिला दो, यानी कि मेरा यहाँ से पार हो गया, यानी कि थ्री टू वन, ये आपका ग्राफ। अरे किसका हुआ है ये भी आपको, और लाइन को हल्का सा आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, और एकदम सीधे लेके जाना, जो यहाँ पे मैं मतलब कि जहाँ पे बिंदु गया है ना उसको सीधे कर देना, या बोर्ड पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बताने में, आप सीधे मिला देना, ठीक है। एंड अब ये किसका इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट का, फर्स्ट का इक्वेशन है, तो इसी यहाँ पे लिख देना एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव। अब इसी प्रकार के एक और बनाऊंगा, लाइक यहाँ पे आते हैं एक्स बराबर फाइव कोमा जीरो, और एक्स बराबर फाइव, यानी कि दोनों का सेम है ना, तो यहीं पे रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से मांगा जीरो कोमा फाइव। नेक्स्ट है एक्स बराबर फोर वाई बराबर वन, एक्स बराबर फोर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा वन, यानी किसके सामने आओ एक्स बराबर फोर वाई बराबर वन, यानी कि जो जीरो कोमा फाइव है ना इस यहाँ के सामने, एक्स बराबर फोर हो गया वन, यहाँ सामने रहो, हो गया फोर कोमा वन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्स बराबर थ्री वाई बराबर टू, एक्स बराबर थ्री, एक्स लाइन कौन है, ये है तीन, यहाँ पे आ गया, वाई बराबर टू, यानी कि इसके सामने आओ टू टू टू, यानी कि दो यहाँ पे और वन, थ्री और टू बोला है ना, यानी कि थ्री टू यहाँ पे हो जाएगा, और थ्री कॉमा टू लिख देना। अब देखो ये लाइन जैसे क्या, ये भी आपका यहाँ से हो जाएगा, यानी कि आपको इसे मिला देना होगा, जैसे कि यहाँ पे आया तीनों तीनों एकदम सीधा, ओके, दो इक्वेशन हो गया ना, अब ग्राफ आपका ये बनकर कंप्लीट हो गया फाइव मार्क्स का, ठीक है। अब इस किसका इक्वेशन था आपका एक्स माइनस वाई का, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर फाइव का, ठीक है। और आप पता है आपको एग्जाम में क्या टीचर चेक करता है, ये मेन देखता है इस बंदा या लड़के का कहाँ पे क्रॉस कर रहा, और सब स्टूडेंट का एक ही जैसा ग्राफिक बनेगा, तो डायरेक्ट यहाँ चेक करेगा और डायरेक्ट करेगा। कैलकुलेशन आप किसी और वे से भी कर सकते हो, पर ग्राफ आपका सबका सेम ही आएगा, अलग किसी का नहीं आएगा, ठीक है। तो ग्राफ बहुत ही सिंपल था जो मैंने आपको बतला दिया। इसी प्रकार का फिर मैं और टॉपिक को वीडियो पर लेकर आऊंगा जो कि क्लास टेंथ का इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट लेके आऊंगा, मॉडल सेट जो कि प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका क्लास टेंथ का, जितना भी मॉडल सेट अभी एग्जाम में निकले हैं एंड नेट के थ्रू भी निकाल रहे लोग, उसी पर मैं बनाऊंगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं तो प्लीज वीडियो में फीडबैक में कॉमेंट में सेंड करें, यस इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आई विल बी सेंड या आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, मैं लेकर आऊंगा। ग्राफ था फाइव मार्क्स का जो कि कम्प्लीट हो गया, और इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे फीडबैक में बताएं, कोई प्रॉब्लम हुआ दिक्कत हो समझने में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखें, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।